हेलो स्टूडेंट्स, एज अ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, हम सबको पता है कि हमारे लिए कोर जॉब्स जो हैं, प्राइवेट कोर जॉब्स, वो बहुत ही लिमिटेड हैं, ओके? और हमारे लिए जो प्राइवेट जॉब्स में ऑप्शन अवेलेबल हैं, वो मेनली सॉफ्टवेयर में अवेलेबल हैं, ओके? एंड सॉफ्टवेयर प्राइवेट जॉब्स एक्चुअली विद गुड सैलरी पैकेज मिल पाना बहुत ही डिफिकल्ट है. अगर आप टॉप IIT, NIT या किसी टॉप की यूनिवर्सिटी से बीटेक नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए सॉफ्टवेयर में गुड सैलरी पैकेज अचीव करना, ओके? तो हम सबके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, वो होता है गेट, ओके? अगर हम गेट में अच्छा रैंक ले आए तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम PSU में जा सकते हैं, हम किसी टॉप के IIT या NIT से, किसी बहुत अच्छी ब्रांच से MTech कर सकते हैं, जिसके बाद हम हाई सैलरी पैकेज प्राइवेट जॉब में भी अचीव कर सकते हैं, ओके? इसके अलावा हर एक स्टेट में जो एग्जाम्स होते हैं, हर एक स्टेट की जो जॉब्स होती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, वो भी आजकल गेट के रैंक को ही प्रिफर करती हैं, ओके? तो अगर आप गेट में अच्छा रैंक ले आते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन जरूर मिल जाएगा, ओके? तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही मैं यहां पर ECE स्टूडेंट्स के लिए गेट 2019 के लिए सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं, ओके? इसके पहले मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, आपको एक पॉइंट मैं क्लियर करना चाहूंगा. मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं फॉर सक्सेस मंत्रास फॉर गेट 2019, ओके? उसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट मंत्रास दिए हैं, कुछ जनरल टिप्स दी हैं जो कि आपको गेट 2019 के लिए फॉलो करनी है जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, ओके? उस वीडियो से आपको यह भी आइडिया लग जाएगा कि आपको टेस्ट सीरीज किस तरह से देनी है, आपको टाइम शेड्यूलिंग किस तरह से करनी है जब आप स्टडी कर रहे होंगे फॉर गेट 2019, ओके? आपको गेट कैलकुलेटर का ही यूज करना है और बहुत सारी चीजें मैंने उस वीडियोस में आपको बताई हैं, ठीक है? तो उस वीडियो को आप जरूर फॉलो करिएगा. नाउ इन दिस वीडियो हम लोग यहां पर कवर करने जा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी, मीन्स आपको कौन सा सब्जेक्ट कब स्टडी करना है, किस तरह से स्टडी करना है, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में यहां पर कवर करने जा रहे हैं, ओके? तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी फॉर गेट 2019 फॉर ECE स्टूडेंट्स, ये हमारे वीडियो का यहां पर मेन पॉइंट होगा, ओके? तो यहां पर अगर मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की बात करूं तो यहां पर पहले मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूं कि किस सीक्वेंस में आपको स्टडी करनी चाहिए, ओके? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैथमेटिक्स को स्टडी करना चाहिए, ओके? सेकेंड आपको स्टडी करना चाहिए सिग्नल्स एंड सिस्टम्स को, ओके? सिग्नल्स एंड सिस्टम. थर्ड जो है आपको स्टडी करना चाहिए नेटवर्क थ्योरी, ओके? नेटवर्क थ्योरी. नाउ फोर्थ आपको स्टडी करना चाहिए कंट्रोल सिस्टम, ओके? एंड फिफ्थ आपको स्टडी करना चाहिए कम्युनिकेशन सिस्टम, ओके? एंड सिक्स्थ EDC एंड एनालॉग. एंड सेवंथ आपको स्टडी करना चाहिए डिजिटल एंड माइक्रो प्रोसेसर, ओके? एंड एट्थ नंबर पे आपको स्टडी करना चाहिए EMFT, ओके? एंड लास्ट में आप स्टडी कर सकते हैं एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, ओके? तो यहां पर ये सीक्वेंस जो मैंने आपको दिया है, ये सीक्वेंस यहां पर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है? क्या हमें एग्जैक्टली यही सीक्वेंस फॉलो करना है कि स्टार्टिंग के दो तीन सीक्वेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम चेंज कर सकते हैं सीक्वेंस को? ये सारी चीजें मैं यहां पर आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं, ओके? और हर एक सीक्वेंस में या हर एक सब्जेक्ट में आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, कौन सा सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आते हैं, ओके? कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें मैं यहां पर आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं, ओके? तो फर्स्ट जो है आपका मैथ्स, ओके? तो यहां पर इस बात को समझिए, ये मैंने फर्स्ट मैथ्स ही आपको क्यों कहा, मैथ्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सबसे पहले पढ़ने के लिए, ओके? तो यहां पर इस बात को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए कि जो मैथ्स है आपका, वो गेट के एग्जाम में तो आपका 15 मार्क्स का आता ही है, ठीक है? तो इसलिए तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके? बट जो बाकी के रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं, हमने टोटल यहां 8 to 9 सब्जेक्ट्स लिखे हैं, जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी आपका मैथ्स का बेसिक यूज होता है. अगर आपको मैथ्स अच्छे से नहीं आता है तो आप बाकी सब्जेक्ट्स में कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएंगे, ओके? तो किसी भी दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ने से पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आपको मैथ्स आता हो, मैथ्स का एटलीस्ट बेसिक्स आपको आता हो, ओके? तो यहां पर जैसे मैं अगर आपको कुछ एग्जांपल्स दूं,
वाई मैथ्स, ओके मैथ्स को मैं फर्स्ट क्यों पढ़ना है, तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको मैथ्स नहीं आता है तो आपको मैट्रिक्स भी नहीं आता होगा, मैट्राइसिस नहीं आता होगा, ओके तो अगर आपको मैट्राइसिस नहीं आता होगा तो यहां पर आप कंट्रोल सिस्टम, जहां पर आप स्टेट स्पेस एनालिसिस पढ़ते हैं वहां पर आपका मैट्रिक्स यूज होता है, ओके जब आप सिग्नल सिस्टम पढ़ते हैं ओके उसपे जब आप डीएफटी पढ़ते हैं तब भी आपका मैट्रिक्स यूज होता है, ओके तो अगर आपको मैथ्स नहीं आता होगा तो आपको मैट्रिक्स भी नहीं आता होगा, ओके और आपका कंट्रोल और सिग्नल सिस्टम में आपके ये टॉपिक जो है वो कवर नहीं हो पाएंगे। ऑल दो इतना मैं समझता हूं कि सारे स्टूडेंट्स जो बीटेक करके आए हैं उनको बेसिक्स ऑफ मैथ्स आता ही है, लेकिन फिर भी अगर आप मैथ्स को अच्छे से पढ़ लें तो आपके 15 मार्क्स भी कवर हो जाते हैं और ऊपर से बाकी सब्जेक्ट्स में जो मैथ्स की रिक्वायरमेंट है वो भी आपकी फुलफिल हो जाती है, ओके जैसे कि अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल लूँ यहां पर प्रोबेबिलिटी का, ओके तो प्रोबेबिलिटी में आप देखिए यहां पर प्रोबेबिलिटी में कम्युनिकेशन सिस्टम जो है आपका, कम्युनिकेशन सिस्टम में जब आप रैंडम वेरिएबल एंड रैंडम प्रोसेस स्टडी करते हैं तो प्रोबेबिलिटी का आपका बहुत सारा कंसेप्ट यूज होता है, ओके तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी नहीं आती है तो वहां पर आपको रैंडम वेरिएबल और रैंडम प्रोसेस को पढ़ने में डिफिकल्टी होगी, ओके जो कि आप भी जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन केस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, ओके अगर मैं आपको थर्ड एग्जांपल दूं दैट इज कैलकुलस, ओके तो कैलकुलस पे भी आपको ये बात समझनी होगी, कैलकुलस पे जो आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन या लिमिट्स वगैरह पढ़ते हैं वो लगभग लगभग हर एक सब्जेक्ट में यूज होती है, बेसिक इंटीग्रेशन बेसिक डिफरेंशिएशन आपका हर एक सब्जेक्ट में यूज होगा, ओके तो ये आपके ऑल सब्जेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको कैलकुलस आता हो, बेसिक्स आता हो एटलीस्ट, ओके अगर मैं बात करूं डिफरेंशियल इक्वेशन की, ओके तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आप सोचिए जब आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ते हैं ठीक है या जब आप नेटवर्क थ्योरी पढ़ते हैं, ओके तो कंट्रोल सिस्टम में जब आप ट्रांसफर फंक्शन वगैरह कैलकुलेट करते हैं सिस्टम का तो कई बार सिस्टम आपका डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, या जब आप स्टेट स्पेस एनालिसिस पढ़ते हैं तो स्टेट स्पेस एनालिसिस पे भी जब आप स्टेट मॉडल बनाते हैं तो कई क्वेश्चन आपके डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड होते हैं, ठीक है सेम आपका जब आप नेटवर्क थ्योरी पढ़ते हैं तो नेटवर्क में भी जब आप लोग ट्रांजिएंट पढ़ते हैं या जब आप लोग एसी सर्किट में सीरीज आरएलसी सर्किट पैरेलल आरएलसी सर्किट पढ़ते हैं तो वहां भी आपके डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है सेकेंड ऑर्डर के, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन भी पहले से आना चाहिए, ओके तो इस तरह से मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। ओवरऑल तो आपको सारा का सारा मैथ्स आना चाहिए बिफोर स्टडिंग एनी सब्जेक्ट, ओके क्योंकि हर एक टेक्निकल सब्जेक्ट में मैथ्स की यूज होगा आपका, ओके मैथ्स की यूजफुलनेस बहुत ज्यादा है हर एक टेक्निकल सब्जेक्ट में। आप किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट में कैलकुलेशन ठीक से नहीं कर पाएंगे अगर आपको मैथ्स का बेसिक्स नहीं आता है, ओके तो ये था कि वाई मैथ्स फर्स्ट, हमें मैथ्स को सबसे पहले क्यों स्टडी करना है, ठीक है उसके बाद अगर मैं यहां पर गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं जो कि मैं आपको ऑलरेडी बोल भी चुका हूं कि गेट में ये 15 मार्क्स का आता है और ये बहुत ही स्कोरिंग होता है। अगर आप यहां से मैथ्स को पूरा पढ़ लेते हैं, एक तो पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग होता है, हमें बोर भी नहीं लगता, बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं होती है, ठीक है तो हम मैथ्स को आसानी से पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद जब हम पढ़ लेते हैं मैथ्स को अच्छे से और हम बाकी सब्जेक्ट्स में मैथ्स को जब अप्लाई करते हैं तो हमारा मैथ्स का रिविजन भी होता चला जाता है और साथ ही साथ जब हम मैथ्स को पहले पढ़ लेते हैं तो हमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आउट ऑफ 100 मार्क्स हमने 15 मार्क्स की स्टडी बहुत अच्छे से कर ली है गेट के लिए, ओके तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके यहां पर अगर मैं मैथ्स के लिए बुक की बात करूं तो वैसे तो अगर आप किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन किए हैं तो आपको वहां पर प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, ओके कोचिंग सेंटर का स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, ओके या अगर आपने कोई वीडियो लेक्चर बाय किए हैं, सपोज करिए एग्जांपल आपने हमारी वीडियो लेक्चर बाय की है डिजीमेंटो की, तो वहां पर आपको पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे मैथ्स के ऊपर और एक हर एक सब्जेक्ट के ऊपर मिल जाएंगे, ओके तो वहां से आपको फिर बुक की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं होती है, ठीक है लेकिन फिर भी अगर हमारे पास बुक है या हमें बुक फॉलो करनी है तो हमें कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, स्पेशली जब हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो हमें कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, और अगर हम कोचिंग सेंटर में भी हैं या हम वीडियो लेक्चर्स भी बाय कर चुके हैं तब भी हमें अगर बुक फॉलो करनी है तो वो कौन सी बुक होगी, तो
तो वो होगी आपकी बीएस ग्रेवाल, ओके। ये बुक आप फॉलो कर सकते हैं। जनरली हर एक यूनिवर्सिटी में जो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ते हो वो भी इसी बुक को ध्यान में रखकर उसका सिलेबस जो है वो बनाया जाता है, ओके। तो ये बुक आपकी बहुत हेल्प कर सकती है अगर आपको मैथ्स को रिवाइज करना है, बेसिक ऑफ मैथ्स पढ़ना है। कई बार ये होता है कि जब आप किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो हो सकता है कि मैथ्स वहां पर पहला सब्जेक्ट ना पढ़ाया जा रहा हो, ओके, और जब आप दूसरे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो वहां मैथ्स का यूज हो रहा हो और आपसे वो कैलकुलेशन नहीं हो रहे हो, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप बी एस ग्रेवाल बुक को फॉलो करके एटलीस्ट बेसिक्स अपना कवर कर ले, ओके। और यहां पर अगर मैं बात करूं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, कि कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में, तो यहां पर मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, चूंकि मैथ्स आपका हर एक सब्जेक्ट में यूज होना है और 15 मार्क्स का आता है गेट में, आई थिंक अगर आप एप्टीट्यूड और इंग्लिश को छोड़ दें और मैथ्स को भी एज अ टेक्निकल सब्जेक्ट लें तो सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा आपका मैथ्स ही आता है 15 मार्क्स, ओके। तो यहां पर यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैथ्स के आप सारे के सारे टॉपिक पढ़ के जाएं, ओके। एक तो ये बाकी सब्जेक्ट्स में यूज होना है और एक तो ईजी आता है एग्जाम में, तो आप 15 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो इसमें से आप कोई भी टॉपिक स्किप ना करें क्योंकि पढ़ना भी बहुत आसान होता है मैथ्स को, ओके। नाउ अब अगर मैं बात करूं यहां पर सेकेंड सब्जेक्ट की, सेकेंड सब्जेक्ट जो आपको स्टडी करना है, जो मैंने आपको कहा है, वो है सिग्नल सिस्टम, ओके। इस सब्जेक्ट की भी सीक्वेंस में आप बिल्कुल चेंज मत करिएगा, मैथ्स के बाद आप सिग्नल सिस्टम ही स्टडी करिएगा। उसका क्या रीजन है ये मैं आपको यहां पर बता देता हूं। देखिए सिग्नल सिस्टम जो है, अगर मैं सिर्फ गेट की बात करूं यहां पर, तो गेट में ये 7 to 8 मार्क्स का आता है और 7 to 8 मार्क्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गेट के एग्जाम में, ठीक है ना। एक्चुअली तो गेट में आपके 0.25 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 0.25 मार्क्स से भी हो सकता है कि आपको एक पीएसयू मिल रहा हो और एक पीएसयू ना मिल रहा हो। आईआईटी मुंबई या आईआईटी दिल्ली में आपको वीएलएसआई ब्रांच मिल रही हो या ना मिल रही हो, इतना इंपॉर्टेंस होती है हर एक मार्क्स की गेट के एग्जाम में, ओके। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि सिग्नल सिस्टम गेट के लिए तो ठीक है 7 to 8 मार्क्स में आता है, ओके, इसलिए तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी सब्जेक्ट्स में या बाकी सब्जेक्ट से पहले क्यों इसे पढ़ना है, क्यों इंपॉर्टेंट है इसे पहले पढ़ना, तो इसके अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दूं यहां पर तो आप ध्यान से समझिएगा। आपको अगर सपोज करिए कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ना है, ओके, तो कम्युनिकेशन सिस्टम में हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है। कम्युनिकेशन सिस्टम में हमें बैंडविड्थ कैलकुलेशन की जरूरत होती है, ठीक है ना, हमें सिग्नल्स की बैंडविड्थ निकालनी होती है, एएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल, एफएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल, और बैंडविड्थ कैलकुलेशन के लिए हमें जरूरत होती है टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट करने की, ओके। हमें हर एक टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना होता है, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए हमें जिस मेथड की जरूरत है या जिस ट्रांसफॉर्म की जरूरत है, दैट ट्रांसफॉर्म इज कॉल्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म। और फोरियर ट्रांसफॉर्म को आप कहां स्टडी करते हैं, सिग्नल्स एंड सिस्टम में। तो जब तक आप सिग्नल्स एंड सिस्टम स्टडी नहीं करेंगे आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं आएगा, और फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं आएगा तो आपको कम्युनिकेशन में स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने में, फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने में डिफिकल्टी होगी, ओके। नाउ अब अगर मैं बात करूं यहां पर कंट्रोल सिस्टम की, ओके, तो कंट्रोल सिस्टम में कंप्लीटली आप सिस्टम का ही एनालिसिस करते हो, ओके, और सिस्टम का जो बेसिक्स है वो आप पढ़ते हो यहां पर सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में, ओके। और कंट्रोल सिस्टम में एक और पॉइंट है सिस्टम के अलावा, वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आप कंट्रोल सिस्टम में लाप्लास ट्रांसफॉर्म का बहुत ज्यादा यूज करते हो क्योंकि आपको वहां पर सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करने होते हैं, और ट्रांसफर फंक्शन के लिए आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी आप कहां स्टडी करते हो, सिग्नल्स एंड सिस्टम में, ओके। नाउ अब अगर मैं थर्ड एग्जांपल दूं आपको नेटवर्क थ्योरी का, ओके, तो नेटवर्क थ्योरी में भी आपके बहुत सारे वोल्टेज एंड करंट के जो इक्वेशन है वो इक्वेशन के फॉर्म में ना होके वेव फॉर्म या फिगर के फॉर्म में होते हैं, ओके, तो उन फिगर को अंडरस्टैंड करना, उन सिग्नल्स को अंडरस्टैंड करना, ये हम कहां सीखते हैं, बेसिक्स ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में, ओके। तो अगर आपको कम्युनिकेशन सिस्टम स्टडी करना है या कंट्रोल सिस्टम, तो आपको हर हाल में सिग्नल्स एंड सिस्टम आना ही चाहिए। नेटवर्क थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है बट इतना भी नहीं,
लेकिन कम्युनिकेशन और कंट्रोल से पहले आपको हर हाल में सिग्नल एंड सिस्टम स्टडी कर लेना चाहिए. ओके नाउ अब अगर मैं यहां पर गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं सिग्नल एंड सिस्टम की, तो ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये काफी आपका न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है. ओके तो यहां पर आपके न्यूमेरिकल्स या मैथमेटिक्स आपका ज्यादा होगा. ओके तो थ्योरी इस पे बहुत ही कम है. इसका जो एक्चुअल में थ्योरिकल पार्ट है वो आप पढ़ते हो कम्युनिकेशन सिस्टम में. ओके तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि कौन सी बुक आपको फॉलो करनी चाहिए अगर आप क्लास नोट्स के अलावा या वीडियो लेक्चर्स के अलावा कोई बुक फॉलो करना चाहते हैं, तो आपको यहां पर बुक जो है फॉलो कर सकते हैं आप साइमन हैकिंस ओके एंड शॉम सीरीज की बुक. ओके तो मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए साइमन हैकिंस ओके एंड सेकंड जो आपकी बुक होती है वो होती है आपकी शॉम सीरीज की. ओके तो शॉम सीरीज की बुक में आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे सॉल्व किए हुए. उस न्यूमेरिकल्स को आप देख सकते हैं, कुछ अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स होंगे उनको आप सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके तो साइमन हैकिन की बुक आप फॉलो कर सकते हैं या शॉम सीरीज की बुक आप फॉलो कर सकते हैं फॉर सिग्नल्स एंड सिस्टम. ओके नाउ अब अगर मैं यहां पर बात करूं कि यहां पर कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं सिग्नल सिस्टम में, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, तो यहां पर मैं बात करूंगा आपके लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म की. एक तो फोरियर ट्रांसफॉर्म आपका कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है, दूसरा फोरियर ट्रांसफॉर्म से इटसेल्फ आपके 1 या 2 क्वेश्चंस हर साल गेट में आते हैं, तो आपके लिए ये टॉपिक ऐसा है कि हर साल पूछा जाना है, तो आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म अच्छे से स्टडी करना ही चाहिए. उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि और कौन सा टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना चाहिए इन केस ऑफ सिग्नल एंड सिस्टम, तो वो होगा आपका LTI सिस्टम. ओके LTI सिस्टम जहां आप लोग कॉन्वोल्यूशन का स्टडी करते हैं. ओके LTI सिस्टम वैसे भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंट्रोल में जो आप सिस्टम यूज करते हैं वो LTI सिस्टम ही होता है, ठीक है. और अगर गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लगभग हर साल 1-2 क्वेश्चन आपका आ ही जाता है फ्रॉम LTI सिस्टम. ओके तो ये टॉपिक्स आप फॉलो कर सकते हैं, क्लियर है पॉइंट. बट मैं फिर से यही सजेस्ट करूंगा जैसा मैंने आपको मैथ्स में सजेस्ट किया था, आज के डेट में गेट में कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, ठीक है. ईसी में लगभग 1.5 लाख स्टूडेंट हर साल गेट में अपियर होते हैं, उसमें आपको अंडर 200 या अंडर 300 रैंक अचीव करना है, आइडियली तो आपको अंडर 100 लाना है. ओके तो यहां पर आप कोई टॉपिक मिस नहीं कर सकते हैं, आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से स्टडी करके जाना है, बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना. टॉपिक्स की प्रैक्टिस कैसे करनी है, टाइम वाइज स्टडी कैसे करनी है, उसके लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैंने एक वीडियो बनाई हुई है सक्सेस मंत्रास फॉर गेट 2019, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं. बट मैं यहां पर फिर से यही सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी टॉपिक मिस ना करिए, ठीक है. कुछ टॉपिक्स को आप बहुत ज्यादा स्टडी कर सकते हैं अच्छे से जो काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी टॉपिक्स को भी आप बहुत अच्छे से ही स्टडी करके जाइए, ठीक है, क्योंकि किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं. ओके नाउ अगर मैं अब यहां पर बात करूं नेक्स्ट थिंग की कि आपको किसी भी सब्जेक्ट को जो आप पढ़ते हैं, सपोज करिए जब आप सिग्नल्स एंड सिस्टम को पढ़ रहे हैं, तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आपको प्रॉपर रिविजन करते चलना है, ठीक है ना. आप पहले क्या करिए, जब भी सपोज करिए आपने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा सिग्नल एंड सिस्टम में बेसिक्स ऑफ सिग्नल्स, ठीक है, तो उसको आप पढ़िए, घर जाके स्टडी करिए अगर आपने कोचिंग में स्टडी किया है, या अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उसको आप स्टडी कर लीजिए अच्छे से. उसके बाद उससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर लीजिए उसी दिन या 1-2 दिन के अंदर. ओके एंड देन जो टॉपिक आपने सपोज करिए मंडे को स्टडी किया है, उसको नेक्स्ट मंडे को एक बार जरूर 2-3 आवर्स निकाल के रिवाइज कर लीजिए, उससे आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता है. ओके तो रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट होगा किसी भी सब्जेक्ट के लिए, और ये सिर्फ सिग्नल सिस्टम की बात नहीं है, ये हर एक सब्जेक्ट की बात है. ओके नाउ नेक्स्ट अगर मैं टॉपिक की बात करूं या नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आपको स्टडी करना चाहिए बिफोर स्टडिंग एनी अदर सब्जेक्ट, तो वो होगा आपका नेटवर्क थ्योरी. ओके नेटवर्क थ्योरी क्या सीक्वेंस यही आपको हर हाल में फॉलो करना है कि आप इसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं? यस, आप इसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं. आप इसके पहले कंट्रोल भी पढ़ सकते हैं और नेटवर्क थ्योरी भी पढ़ सकते हैं. ओके बट नेटवर्क थ्योरी इसलिए पहले पढ़ लेना चाहिए क्योंकि
जब भी आप आगे जाके ईडीसी एंड एनालॉग पढ़ेंगे, ओके तो अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, ईडीसी एंड एनालॉग, स्पेशली एनालॉग सर्किट, तो जब आप एनालॉग सर्किट स्टडी करेंगे तो वहां पर आपको ट्रांजिस्टर का इक्वेशन सॉल्व करते टाइम, फैट का इक्वेशन सॉल्व करते टाइम, ओपैम का इक्वेशन सॉल्व करते टाइम, ठीक है ना, या जब आप रिएक्टिफायर पढ़ेंगे वहां भी आपको नेटवर्क के बेसिक कंसेप्ट दैट इज केसीएल एंड केवीएल का आपका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है. तो अगर आप नेटवर्क पहले से स्टडी कर लेंगे, ठीक है, नेटवर्क से अच्छा फैमिलियर हो जाएंगे, तो आगे जाके जब भी आप आई थिंक फिफ्थ या सिक्स नंबर में जब भी आप एनालॉग सर्किट स्टडी करेंगे तो वहां पर आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी केवीएल केसीएल या बेसिक्स ऑफ नेटवर्क को अप्लाई करने में. ओके क्योंकि एनालॉग सर्किट की जहां तक मैं बात करूं, मैं आगे डिस्कस करूंगा, बहुत ज्यादा नंबर का आता है गेट के एग्जाम में, ठीक है ना. और इसके लिए मेन रिक्वायरमेंट क्या है, नेटवर्क थ्योरी का बेसिक्स, तो आप पहले ही पढ़ लीजिए, ज्यादा बेटर है आपके लिए. और अगर मैं गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो गेट में भी जो आपका नेटवर्क थ्योरी है वो हर साल 7 to 8 मार्क्स का पूछा जाता है. और जैसा मैं आपको पिछले सब्जेक्ट में बोल ही चुका हूं कि 7 to 8 मार्क्स बहुत बड़े मार्क्स होते हैं गेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके नाउ तो ये आपके लिए बहुत नेसेसिटी है कि आप एनालॉग सर्किट को पढ़ने से बहुत पहले एक्चुअली पढ़ लीजिए, ताकि आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हो चुके हो नेटवर्क थ्योरी से. ओके नाउ अब अगर मैं बात करूं यहां पर बुक्स की, तो कौन सी बुक ऐसी है जो आपको फॉलो करनी चाहिए नेटवर्क थ्योरी के लिए, कोचिंग नोट्स के अलावा या वीडियो लेक्चर्स के अलावा, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं यहां पर सडीकू. ओके बहुत ही अच्छी बुक है. थ्योरी भी अगर बात करेंगे आप, तो थ्योरी भी आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में दी हुई है, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको, बहुत सारे अनसॉल्व और बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आपको दिए हुए हैं, कुछ बहुत ज्यादा हाई लेवल के भी दिए हैं, उस लेवल तक जाने की आपको जरूरत नहीं है, बट काफी क्वेश्चन आपको गेट के लेवल के वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है, गेट के लो लेवल से लेकर गेट के हाई लेवल तक सारे क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे आपके लिए. और ये बुक जो है लगभग 80-90% सिलेबस कवर कर जाती है गेट का, तो ये बहुत ही अच्छी बुक है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं नेटवर्क थ्योरी के लिए. अगर आप कोचिंग नोट्स भी फॉलो कर रहे हैं, उसके अलावा भी आप इसे फॉलो कर लीजिए, आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे कंसेप्ट यहां सीखने को मिलेंगे. ओके नाउ अगर मैं बात करूं यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, ओके तो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर साल गेट में या आफ्टर एक साल के गैप में आपके पूछे ही जाते हैं गेट के एग्जाम में, तो यहां पर अगर मैं बात करूं नेटवर्क थ्योरी में, तो ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग लगभग हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, ठीक है, तो आप इस टॉपिक पे मेन फोकस रखिएगा. थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन आना बिल्कुल फिक्स है, तो आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से स्टडी कर लेना चाहिए. ओके इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो आप बेसिक्स पढ़ते हैं, मैश एंड नोडल, ओके तो मैश एंड नोडल में से भी, चाहे वो एसी एनालिसिस हो और डीसी एनालिसिस हो, मैश एंड नोडल में से भी आपके एक आध क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है. ओके क्लियर है पॉइंट. तो उसके अलावा भी जितने टॉपिक्स हैं वो आपको सारे स्टडी करने हैं, कोई भी टॉपिक आपको मिस नहीं करना है, बट ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो लगभग लगभग हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आप इनकी कुछ ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, दैट्स इट, प्रैक्टिस आपको सभी टॉपिक्स की करनी है. नाउ यहां पर मैं नेटवर्क थ्योरी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करना चाहूंगा जो मैंने प्रीवियस 2 सब्जेक्ट्स में नहीं किए हैं, वो ये है कि इसके जो सॉल्यूशन होते हैं कई बार वो वेरी लेंदी हो जाते हैं कई बार, ठीक है ना. क्या होता है जब आप किसी सर्किट को सॉल्व करते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके 3 लूप्स हैं या 3 आपके नोडल इक्वेशन बन रहे हैं, तो क्या होता है आपके 3 इक्वेशंस क्रिएट हो जाते हैं. और आजकल जो गेट का कैलकुलेटर है, मैंने अपनी वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है सक्सेस मंत्रास फॉर गेट 2019 में भी, कि जो गेट का कैलकुलेटर है उसमें बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो आपके नॉर्मल साइंटिफिक कैलकुलेटर में होते हैं लेकिन गेट के कैलकुलेटर में नहीं होते हैं, तो आप 3 वेरिएबल के इक्वेशन वगैरह सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो वो इक्वेशंस की सॉल्व करने की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, ठीक है ना. जब भी आप नेटवर्क थ्योरी या एक्चुअली आप किसी भी सब्जेक्ट में जब भी आप कोई न्यूमेरिकल स्टार्ट करें, तो सपोज करिए आपने 3 इक्वेशंस लिख लिए, तो उन्हें आप लास्ट तक सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए, कितने कम से कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हैं. ऐसा ना हो एग्जाम में आपने सर्किट देखा, आपको लगा ये तो बहुत ईजी है, सिंपल से 3 लूप में आपको मैश के इक्वेशन ही लिखने हैं, आपने इक्वेशन लिख लिए, फिर आप देख पा रहे हैं कि आप इक्वेशन को सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए आपने 10-15 मिनट्स ले लिए, तो ऐसे में तो आपका गेट का पूरा पेपर ही बिगड़ जाएगा, क्योंकि अगर आप 10-15 मिनट्स एक क्वेश्चन को दे देंगे तो आपकी जो पूरी टाइम मैनेजमेंट है 3 आवर्स की वो पूरी बिगड़ जाएगी आपकी. ओके
तो नेटवर्क थ्योरी के क्वेश्चंस नो डाउट इजी लेवल के होते हैं, बट थोड़े से लेंदी हो जाते हैं, तो इसके लिए आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते टाइम ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली, और मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यही है जो हर एक स्टूडेंट मिस कर जाता है। ओके नाउ, अब अगर मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करूं जो कि है आपका कंट्रोल सिस्टम, ओके, तो कंट्रोल सिस्टम आप स्टडी कर सकते हैं अब, क्योंकि आपने ऑलरेडी सिग्नल सिस्टम स्टडी कर लिया है, ठीक है। तो चूंकि मैंने आपको बता रखा है कि कंट्रोल सिस्टम की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, कि आपको सिग्नल सिस्टम में सिस्टम की स्टडी कर लेना है, ओके, तो कंट्रोल सिस्टम यहां पर आप अब स्टडी कर सकते हैं। अगर मैं गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कंट्रोल सिस्टम के लिए, तो गेट में हर साल 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ओके, और अगर मैं बात करूं अदर सब्जेक्ट पे इसके अफेक्ट की, तो कोई ज्यादा अफेक्ट नहीं है अदर सब्जेक्ट पे इसका, बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है। ऑल्दो आप ये बोल सकते हैं कि अगर आपने कंट्रोल सिस्टम को पढ़ने से पहले सिग्नल सिस्टम पढ़ रखा है, तो सिग्नल सिस्टम आपकी हेल्प करेगा कंट्रोल सिस्टम को पढ़ने में। इसका आप अपोजिट भी बोल सकते हैं कि अगर आपने सिग्नल सिस्टम को पढ़ने से पहले कंट्रोल सिस्टम पढ़ रखा है, तो सिस्टम का बेसिक आपको कंट्रोल सिस्टम से मिल जाएगा और सिग्नल सिस्टम को आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी पढ़ने में। उसके अलावा इसका बहुत ज्यादा कोई अदर सब्जेक्ट पे अफेक्ट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है इसका, या जो आपको हर हाल में समझना है, वो है स्टेबिलिटी। ओके, आप कंट्रोल सिस्टम का यूज करके किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स आप पढ़ते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में भी स्टेबिलिटी कैलकुलेट करने आता है, तो उसके लिए आपको कंट्रोल सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए। ओके, अगर मैं यहां पर बात करूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कंट्रोल सिस्टम में, ये बिल्कुल फिक्स हैं एक्चुअली। एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्या बोलूं मैं, इसके 90% टॉपिक्स फिक्स हैं, जिसमें से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है आपका कि रूथ हर्विट्स में से पूछा जाएगा। ओके, ये लगभग हर साल ही पूछा जाता है रूथ हर्विट्स में से। ओके, तो एक क्वेश्चन आप फिक्स मान के चलिए। अब एक क्वेश्चन आप फिक्स मान के चलिए बोडे और नाइक्विस्ट से। ओके, तो बोडे और नाइक्विस्ट में से भी एक क्वेश्चन आपका, दोनों में से किसी एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है हर साल। ओके, उसके अलावा मैं बात करूं स्टेट स्पेस एनालिसिस, इससे भी लगभग हर साल एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। ओके, एंड अगर मैं लास्ट बात करूं सिग्नल फ्लो ग्राफ की, तो सिग्नल फ्लो ग्राफ से भी आपका एक क्वेश्चन हर साल लगभग पूछा ही जाता है। ये बिल्कुल कोई शोर शॉट नहीं है, कभी कभी मिस भी हो सकता है सिग्नल फ्लो ग्राफ या रूथ हर्विट्स या स्टेट स्पेस या बोडे नाइक्विस्ट से, लेकिन लगभग जो जनरल ट्रेंड है वो पूछा जाता है इन टॉपिक से क्वेश्चन। ओके, तो इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स भी हैं लाइक रूट लोकस वगैरह, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ओके, नाउ अब अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं दैट इज बुक्स की, तो आपको क्लास नोट्स या वीडियो लेक्चर के अलावा कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, तो एक आप फॉलो कर सकते हैं जे नागराथन, ओके, और एक आप फॉलो कर सकते हैं मानके। ओके, इसके अलावा भी आप लोग कंट्रोल सिस्टम की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। आप कंट्रोल सिस्टम के लिए डिफरेंट प्रैक्टिस बुक्स ले सकते हैं क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम क्या एक्चुअल में, आप हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिस बुक्स बाय कर सकते हैं मार्केट से क्वेश्चन के लिए, ओके ना। चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे आप किसी कोचिंग में हो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। क्लियर है पॉइंट। नाउ अब अगर मैं यहां पर बात करूं कंट्रोल सिस्टम में कि ये क्या इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए, जैसे कि बाकी सब्जेक्ट जो थे वो अफेक्ट कर रहे थे बाकी के दूसरे सब्जेक्ट्स को, जैसे कि सिग्नल सिस्टम अफेक्ट कर रहा था, ठीक है ना, नेटवर्क थ्योरी अफेक्ट कर रहा था आपका, मैथमेटिक्स अफेक्ट कर रहा था, तो कंट्रोल सिस्टम तो इतना कुछ खास अफेक्ट नहीं कर रहा है बाकी सब्जेक्ट को, और 7 to 8 मार्क्स का आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। लेकिन क्या ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे लिए, तो मैं कहूंगा यस। एक्चुअल में अगर मैं सिर्फ और सिर्फ गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि इसके जो क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल फिक्स होते हैं, टॉपिक्स कौन कौन से टॉपिक से इसके क्वेश्चन आने हैं। ओके, ठीक है, तो यहां पर जब आपको पता होता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं, और क्वेश्चन का जो पैटर्न भी होता है लगभग सेम होता है हर साल, ठीक है ना, तो अगर आप
कंट्रोल सिस्टम को बहुत अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो इसमें श्योर शॉट है कि आपके अगर 8 मार्क्स का पूछा गया है तो लगभग लगभग आपके 7 मार्क्स तो आ ही जाएंगे और 90% टाइम अच्छे स्टूडेंट्स के 8 out of 8 भी आते हैं। तो ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है ना। भले नंबर आपके मैथ्स जितने नहीं हो या ईडीसी एनालॉग जितने नहीं हो, 7 to 8 मार्क्स का ही है, लेकिन 7 to 8 मार्क्स अगर हमें पता है किसी सब्जेक्ट में हमें पूरे के पूरे मिल सकते हैं तो वो सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस सब्जेक्ट में आपको गेट के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं जो आपको स्टडी करना है आफ्टर कंट्रोल सिस्टम, तो वो आप स्टडी कर सकते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। ओके, कम्युनिकेशन में स्टडी करने के लिए आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म चाहिए, जस्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म का बेसिक्स चाहिए, दैट्स इट। और वो आप ऑलरेडी सिग्नल सिस्टम में पढ़ चुके होंगे तो आपको कम्युनिकेशन सिस्टम को स्टडी करने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, अब अगर मैं बात करूं क्या कम्युनिकेशन सिस्टम किसी और सब्जेक्ट को अफेक्ट करता है जो गेट में आते हैं, तो नहीं करता है एक्चुअल में, ठीक है ना। सिग्नल सिस्टम से ये कंप्लीटली रिलेटेड होता है। सिग्नल सिस्टम में आप कह सकते हैं कि जो सिग्नल सिस्टम की आप थ्योरी पार्ट मिस करते हैं वो आप कम्युनिकेशन सिस्टम में स्टडी कर लेते हैं। एक्चुअल में आप सिग्नल सिस्टम में मैथमेटिकली स्टडी करते हैं और कम्युनिकेशन में उसी चीज को थ्योरिकली स्टडी करते हैं। ओके, एक और पॉइंट भी है आपके लिए कि कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं है कि कंप्लीट थ्योरी है, एक्चुअली इट इज अ वेरी बैलेंस्ड सब्जेक्ट, मिक्सचर ऑफ थ्योरीज एंड न्यूमेरिकल्स। ओके, तो कम्युनिकेशन में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको कहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्पेशली गेट स्टूडेंट्स को, कि आप क्या करते हैं कि थ्योरी आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं या बहुत लेस पढ़ते हैं, पर आप कम्युनिकेशन में ऐसा मत करिएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन में जो न्यूमेरिकल्स भी आते हैं वो कंप्लीटली आपके थ्योरी पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आपसे न्यूमेरिकल्स भी नहीं बनेंगे। और जैसा मैंने आपको अपने सक्सेस मंत्रास वाली वीडियो में बोला हुआ है कि 90% आपके न्यूमेरिकल होते हैं लेकिन जो 10% होते हैं आपकी थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं, तो यहां से आप थ्योरी क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम्स में से। ओके, तो ये आपको दिमाग में रखना है। और गेट में जो थ्योरी क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए गेट में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो बहुत लेंदी होते हैं, आपको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन थ्योरी क्वेश्चन की क्या खास बात है कि अगर आपको पता है वो थ्योरी तो आप डायरेक्टली टिक कर सकते हैं, तो आप बहुत जल्दी स्कोर कर सकते हैं यहां पर थ्योरी क्वेश्चंस में। ओके, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कम्युनिकेशन के रेस्पेक्ट में, वो ये है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट लेवल के आ जाते हैं जो आपसे सॉल्व ही नहीं हो पाते हैं। ओके, तो वो हर साल ऐसा होता है, इसमें आपको घबराना नहीं है। जैसे सपोज करिए अगर आप लास्ट 10 या 15 ईयर्स के आप गेट के सॉल्यूशन भी कर रहे हैं, ठीक है ना, या आप कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए और आपको लगा कि आपने पूरी स्टडी कर ली है, आपने कोचिंग में सब कुछ पढ़ लिया है, आपने बेस्ट से बेस्ट कोचिंग से स्टडी की है या आपने सेल्फ प्रिपरेशन के टाइम में भी सब कुछ पढ़ लिया है, ओके, और फिर भी आपसे ये क्वेश्चन हो ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर गेट में तो आपका नहीं हो पाएगा बिल्कुल। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। कम्युनिकेशन में नो डाउट 1 से 2 क्वेश्चन आपके बिल्कुल डिफिकल्ट लेवल के आते हैं। ओके, तो उस डिफिकल्ट लेवल से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इस बात को ध्यान रखिएगा कि 100 out of 100 किसी का नहीं आता है। जो टॉपर भी रहता है ईसी में, उसका ऑन एन एवरेज मार्क्स अगर मैं 10 ईयर्स का निकालूं तो वो 80 के आसपास ही होता है। ओके, 80-82 के आसपास, तो वो टॉपर भी जो है वो 20 मार्क्स छोड़ के आता है, ठीक है ना। तो इस बात को आपको समझना होगा कि हर एक सब्जेक्ट में आप 100% स्कोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर आपसे कोई क्वेश्चन बिल्कुल ही आपको नहीं आता है तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम कहां होती है, जब आपको किसी क्वेश्चन का कंसेप्ट पता हो और आप कैलकुलेशन मिस्टेक करके आते हैं या आप गलत कंसेप्ट लगा आते हैं आपको पता होने के बावजूद भी, तो वो एक्चुअली रॉन्ग थिंग है। जो क्वेश्चन आपको आता ही नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, आपसे हो ही नहीं सकता, उसके लिए हमको वरी ही नहीं करना है एक्चुअल में। हमें बस हमारा सब कुछ पढ़ना है, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद कॉन्फिडेंट रहना है, दैट्स इट। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख के आप घबराइएगा मत कम्युनिकेशन में स्पेशली, ठीक है ना। अब अगर मैं यहां पर बुक्स की बात करूं, वैसे तो कम्युनिकेशन में अगर बिल्कुल बेसिक बुक की बात करूं तो आप बीपी लाठी स्टडी कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एडवांस जाना चाहते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही एडवांस हैं, तो आप प्रोकिस, ओके, या पॉपुलिस,
इन बुक्स को भी फॉलो कर सकते हैं, काफी एडवांस लेवल की बुक्स हैं, अगर आप एडवांस स्टडी करना चाहते हैं तो आप बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। ऑल दो अगर आप किसी कोचिंग सेंटर में स्टडी करते हैं या आपने कोई वीडियो लेक्चर बाय की हुई है तो उनके नोट्स ही सफिशियंट होते हैं, बस आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी होती है गेट के एग्जाम के लिए, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस, ओके, बट अदरवाइज इन बुक्स को आप फॉलो कर सकते हैं, बीपी लाठी, प्रोकिस, पॉपुलिस, ओके। यहां पर अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके क्या हैं इन केस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम जो आपको हर हाल में बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी करने हैं, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका रैंडम वेरिएबल एंड रैंडम प्रोसेस। ये मैं क्यों बोल रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको छोड़ के चले जाते हैं या बहुत लिमिटेड स्टडी करते हैं, ठीक है ना। कोचिंग सेंटर्स में भी इन टॉपिक्स की स्टडी बहुत ही लिमिटेड होती है, तो आपको ये बात समझनी है, आपको लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन फॉलो करने हैं रैंडम वेरिएबल और रैंडम प्रोसेस के, तो आप देखेंगे कि एक से दो क्वेश्चन, कभी कभी दो क्वेश्चन ही, एक्चुअल में आप कह सकते हैं दो ही क्वेश्चन आते हैं हर साल, पूछे ही जाते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में रैंडम वेरिएबल और रैंडम प्रोसेस के कंसेप्ट से, तो आप इनको मिस नहीं कर सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2 मार्क्स का तो 2 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 3 या 4 मार्क्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से स्टडी करके जाइए, डिटेल में स्टडी करके जाइए। वैसे हम जो अपनी कम्युनिकेशन सिस्टम की वीडियो है उनमें इस टॉपिक्स को बहुत ज्यादा डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे, ओके। तो आपको अगर रैंडम वेरिएबल या रैंडम प्रोसेस में अगर आपको एक्स्ट्रा गाइडेंस चाहिए तो आप हमारी वीडियो को जरूर फॉलो कर सकते हैं, ओके। नाउ अगर मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की यहां पर बात करूं कम्युनिकेशन सिस्टम में, तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लगभग हर साल पूछा जाता है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ओके। तो ये जो 2 से 3 टॉपिक्स हैं, एक्चुअल में आप यहां पर एक और टॉपिक को ऐड कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन थ्योरी, ठीक है ना, ये टॉपिक भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इन टॉपिक से क्वेश्चन लगभग हर साल पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, उनसे भी हर साल पूछे जाते हैं या 2 to 3 years के गैप में पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जरूर जाते हैं। तो आपको तो सारे टॉपिक्स स्टडी करके जाने हैं, लेकिन इन टॉपिक्स पे आप बहुत ज्यादा फोकस रख सकते हैं, ओके। नाउ यहां पर कम्युनिकेशन की अगर गेट के मार्क्स की बात करूं तो कम्युनिकेशन आपका थोड़ा सा मार्क्स इसमें ज्यादा बढ़ जाते हैं, 8 to 10 मार्क्स तक चला जाता है, एक्चुअल में 10 मार्क्स का लगभग हर साल आ ही जाता है ये, ओके। पर रेंज मैं ले रहा हूं 8 to 10 मार्क्स, तो ये काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ज्यादा मार्क्स का भी आता है आपके लिए, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से स्टडी करने हैं। एक और यहां पर पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूंगा कम्युनिकेशन सिस्टम में, कि जब आप इसका सिलेबस देखते हैं गेट में, बहुत ही ज्यादा लेंदी है, एक्चुअली आप 2 से 3 सब्जेक्ट को जोड़ दीजिए तब आपका कम्युनिकेशन सिस्टम मिलता है, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन सिस्टम का सिलेबस बहुत लेंदी है, काफी टाइम लगता है इसे स्टडी करने में, तो आपको अपनी पेशेंस लूज नहीं करनी है, ओके। इसीलिए मैंने इस सब्जेक्ट को 3rd नंबर पे आफ्टर सिग्नल एंड सिस्टम नहीं लिया, क्योंकि इस बात को समझना जरूरी है कि अगर आप कम्युनिकेशन को पढ़ते पढ़ते अगर आप बहुत ज्यादा टाइम दे देंगे, ठीक है, स्टार्ट में, तो आप अपना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी लूज कर सकते हैं कि मुझे एक सब्जेक्ट को पढ़ने में इतना ज्यादा टाइम लग गया है और मैं तो अभी सिर्फ 2nd टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं, मैथ्स को छोड़ दीजिए, सिग्नल एंड सिस्टम के बाद मैं 2रा सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं और मुझे इतना ज्यादा टाइम लग गया, ओके। तो इस बात को आपको समझना होगा कि कम्युनिकेशन को आप थोड़ा मिड में ही स्टडी करिए, जब आपके 3-4 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से हो जाएं, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, स्पेशली नेटवर्क और जो कंट्रोल है ना वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देते हैं, इसीलिए मैंने उन्हें 3rd और 4th नंबर पे लिया है। उन्हें आप स्टडी कर लीजिए, उनसे जो क्वेश्चन आते हैं वो एग्जाम में ऑलमोस्ट आपसे हो ही जाते हैं, ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। जब आप लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेटवर्क एंड कंट्रोल में, तो आपसे वो होने लगते हैं, तो आपको लगता है हाँ मैं गेट की प्रिपरेशन ठीक तरीके से कर रहा हूं, लेकिन कम्युनिकेशन में वो नहीं होते हैं तो आपको डर आ जाता है मन में। तो कम्युनिकेशन को आप मिड में ही स्टडी करिए, 5th नंबर बेटर पोजिशन है फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम, ओके। नाउ अब अगर मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की यहां पर बात करूं, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट आप स्टडी कर सकते हैं कम्युनिकेशन के बाद, ईडीसी एंड एनालॉग, ओके। ये सब्जेक्ट भी आपका बहुत लेंदी सब्जेक्ट है, ठीक है, एक्चुअली कम्युनिकेशन जितना लेंदी नहीं है, बट अगर आप ईडीसी और एनालॉग, एक्चुअली ये 2 डिफरेंट सब्जेक्ट है, दोनों को अगर आप मिक्स कर लें तो ये कम्युनिकेशन के बराबर ही हो जाता है लेंथ में,
या उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा अगर आप दोनों को मिक्स कर लें. और अगर मैं एग्जाम में नंबर ऑफ मार्क्स की बात करूं तो आई डोंट थिंक कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स में, अगर मैं मैथ्स को लीव कर रहा हूं तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ होगा. 20 to 24 मार्क्स का ये दोनों कंबाइंड होकर आता है आपका हर साल. ओके तो अगर आप ईडीसी एनालॉग को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके ये सारे के सारे मार्क्स अचीव हो जाते हैं. ओके तो आपको ध्यान देना होगा इस पॉइंट पे, बहुत ह्यूज मार्किंग है. ओके एक चीज और समझिएगा, कम्युनिकेशन और ईडीसी एनालॉग को जब आप स्टडी करें, जैसे सपोज करिए, जैसे मैंने आपको अपने सक्सेस मंत्रास वाली वीडियोस में भी बोला हुआ है कि सपोज करिए मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप जून से स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो आपके पास रफली 8 months होते हैं आपके पास, ठीक है ना. अगर आप मई जून से स्टार्ट कर रहे हैं रफली आपके पास 8 months हैं 2019 गेट के पहले, ठीक है. तो अगर आप कम्युनिकेशन और ईडीसी एनालॉग को अगर आप अक्टूबर के आसपास स्टडी करते हैं, ठीक है ना, दीपावली वैकेशन के पहले तक अगर आप स्टडी कर लेते हैं, ठीक है, 7 नवंबर को मान लीजिए 7 to 10 तक आप दीपावली वैकेशन इंजॉय करते हैं, 5 to 10 नवंबर तक, तो आप अक्टूबर में या सितंबर 15 से अगर आप कम्युनिकेशन और ईडीसी एनालॉग स्टडी करेंगे तो आपको फायदा क्या होगा कि आप थोड़ा एंडिंग पीरियड में स्टडी करेंगे. इसे उससे ये फायदा होगा कि आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से ये चीजें याद रहेंगी और एंडिंग पीरियड आपकी प्रिपरेशन का एंडिंग पीरियड होगा. गेट का समय नजदीक नहीं आएगा, गेट का समय तो अभी भी बहुत दूर है, वो फरवरी में आना है, लेकिन आप जब अपने टोटल प्रिपरेशन के एंडिंग पीरियड में से प्रिपेयर करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से ये याद रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा ह्यूज होगा क्योंकि ऑलरेडी आप 3 से 4 सब्जेक्ट प्रिपेयर कर चुके होंगे और उनके क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे उस टाइम तक. ओके तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये सीक्वेंस जो है 5th और 6th ही फॉलो करिएगा कम्युनिकेशन ईडीसी एंड एनालॉग का. ओके आप ये भी सोच सकते हैं जब ये इतने ज्यादा मार्क्स का आता है तो मैं पहले क्यों ना पढ़ लूं, तो आपको समझना होगा कि पहली बात तो कम्युनिकेशन पढ़ने से पहले आपको सिग्नल्स एंड सिस्टम की स्टडी चाहिए और ईडीसी एनालॉग पढ़ने से पहले आपको नेटवर्क थ्योरी चाहिए, ठीक है ना. तो इन सब्जेक्ट को पढ़े बिना तो आप ट्राई भी मत करिए कम्युनिकेशन और ईडीसी एनालॉग को, ठीक है. बीच में हमने सिर्फ एक कंट्रोल सिस्टम ही पढ़ा है और कंट्रोल सिस्टम जैसा मैंने आपको बताया क्वेश्चन बिल्कुल शोर शॉर्ट है, ठीक है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, ठीक है. तो उस सब्जेक्ट को आप पहले पढ़ के अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लीजिए, उसके बाद फिर आप इन सब्जेक्ट को स्टडी करिए. ओके अब अगर मैं बात करूं यहां पर ईडीसी एनालॉग में बुक्स की, अगर मैं बात करता हूं तो कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए ईडीसी और एनालॉग के केस पे, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा 20 to 24 मार्क्स का आता है. तो आप नोट्स पे तो भरोसा करिए, अपने वीडियो लेक्चर्स पे भी करिए, लेकिन आई थिंक कुछ स्टैंडर्ड बुक से आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. आप प्रैक्टिस सेट तो लेंगे ही मार्केट से क्वेश्चंस का, लेकिन आप कुछ स्टैंडर्ड बुक से भी प्रैक्टिस कर लीजिए. तो यहां पर जो स्टैंडर्ड बुक है वो है आपकी डोनाल्ड ए नीमैन, ओके, एंड एक बुक है आपकी स्ट्रीट मैन. ओके तो ये दो बुक आप फॉलो कर सकते हैं फॉर ईडीसी एंड एनालॉग के लिए. ओके इनके आप कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए, या आपको लगता है कि कोई एक्स्ट्रा थ्योरी आपको जो बहुत अच्छी लग रही है या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट लग रही है आफ्टर रिफरिंग द लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि 20 to 24 मार्क्स आपका एक ह्यूज मार्क्स है, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं. एक्चुअली आपका गेट में रैंक ला सकता है और बिगाड़ भी सकता है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना होगा. ओके तो इसमें आप काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए. अगर मैं यहां पर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं जो ईडीसी एंड एनालॉग में है आपके लिए, जिसमें से श्योर शॉर्ट तो नहीं पर लगभग हर साल आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप कह सकते हैं डोपिंग फर्मी लेवल्स, इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन लगभग हर साल आपके पूछे जाते हैं. इसके अलावा आप कह सकते हैं ओपैम्प ऑपरेशनल एम्पलीफायर, यहां पर एक्चुअली मैं श्योर हूं कि आपके 1 या 2 क्वेश्चन हर साल ही आता है आपका, हार्डली ऐसा कोई ईयर गया होगा गेट में जिसमें से ओपैम में से क्वेश्चन ना आया हो. उसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो फैट एंड बीजेटी हैं एम्पलीफायर्स जो आप पढ़ते हैं, फैट और बीजेटी एम्पलीफायर्स में से, उसमें से भी आपका 1-2 क्वेश्चन लगभग आपका पूछा ही जाता है. ओके तो यहां पर ये टॉपिक्स हैं जिनमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग हर साल पूछे जाते हैं. उसके अलावा बाइसिंग भी कह सकते हैं, ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जिसमें से आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं.
ओके okay, इसके अलावा भी सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और यहां तो स्पेशली पढ़ने हैं 20 to 24 marks, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है ना। गेट में रैग ला सकता है या बिगाड़ सकता है, ठीक है ना। तो आपको सारे के सारे टॉपिक्स यहां पर पढ़ने हैं अच्छे से, इन टॉपिक्स पे आप ज्यादा फोकस रख सकते हैं। ओके क्लियर है पॉइंट यहां पर अच्छे से आपको। नाउ यहां पर जैसा लास्ट हमने जो दो पढ़े हैं कम्युनिकेशन एंड ईडीसी एनालॉग, चूंकि ये लेंथी सब्जेक्ट है तो इनको आप रिवीजन भी उसी तरीके से करिएगा, ठीक है ना, डिफिकल्ट भी है। तो जो भी टॉपिक इन सब्जेक्ट्स में आप पढ़े उन्हें आप 3-4 दिन के बाद एक बार रिवाइज कर लीजिए 1 आवर निकाल के। ऐसा ना हो कि आप टॉपिक्स पढ़ते चले जा रहे हैं और लास्ट में आपको कुछ याद ही नहीं है, तो वो भी एक प्रॉब्लम आ जाएगी, उससे आपका कॉन्फिडेंस लास्ट मोमेंट पे बहुत ज्यादा लूज हो जाएगा। ओके तो यहां पर आप हर 3 to 4 days पे आप टॉपिक्स का रिविजन करिए और हर 15 days पे जितना टॉपिक्स पढ़ा है उसका भी एक बार फिर से रिविजन करिए। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने की। न्यूमेरिकल साथ साथ में सॉल्व करते रहिए, लेकिन स्पेशली कम्युनिकेशन में आपके थ्योरी पोर्शन भी काफी हैं, तो आपको थ्योरी भी दिमाग में रखनी होगी। ओके तो अगर आप सितंबर अक्टूबर के आसपास इन सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से स्टडी कर लेते हैं जस्ट बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, जैसा मैंने आपको सक्सेस मंत्रास में कहा हुआ है, सक्सेस मंत्रा वाली वीडियो में बोला हुआ है कि आफ्टर दिवाली वेकेशन आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देनी है। ओके तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर आप सितंबर अक्टूबर में इन सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में स्टडी कर जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गेट के एग्जाम में अच्छा रैंक लाने में। ओके नाउ यहां पर अगर मैं बात करूं क्या ये सब्जेक्ट ईडीसी एंड एनालॉग किसी और सब्जेक्ट पे अफेक्ट डालता है, तो यस, अगर मैं उसका एग्जाम्पल लू तो ये आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे बहुत ज्यादा अफेक्ट डालता है, ठीक है, क्योंकि डिजिटल में आप लोगों को लास्ट में एडीसी और डीएसी स्टडी करना होता है जिसमें ओपैम के सर्किट यूज होते हैं आपके डीएसी में। ओके और ओपैम आपका फ्लैश एडीसी में भी यूज होता है, ठीक है, तो जैसे ओपैम एज अ कंपरेटर आपका काउंटर टाइप एडीसी में भी यूज होता है। ओके तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी होंगी कि एडीसी डीएसी की स्टडी के लिए आपको एनालॉग सर्किट एक्चुअली बहुत अच्छे से आना चाहिए। ओके स्पेशली ओपैम्प आना चाहिए। और अगर मैं एक और पॉइंट की बात करूं जो कि एक्चुअली गेट में अब नहीं रहा, लॉजिक फैमिलीज, वो सिलेबस अब गेट से हट गया है, लेकिन अगर आप और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लॉजिक फैमिली को पढ़ने से पहले, चूंकि वहां पर ट्रांजिस्टर के सर्किट, फैट के सर्किट, ओपैम्प के सर्किट बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो आपको एनालॉग सर्किट पढ़ लेना चाहिए। ओके नाउ अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, तो ऑब्वियसली बात है नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका डिजिटल ही होगा। ओके क्योंकि जैसा मैंने कहा ईडीसी एनालॉग पढ़ लेने के बाद हम लोग डिजिटल स्टडी कर सकते हैं, तो यहां पर मैं डिजिटल और माइक्रो प्रोसेसर दोनों को एक साथ ट्रीट करूंगा, ठीक है, एज अ वन सब्जेक्ट, ठीक है। डिजिटल में अगर मैं बात करूं तो डिजिटल जो है आपका हर साल एग्जाम में लगभग बोल सकते हैं 6 to 8 marks का आता है, और जो माइक्रो प्रोसेसर है वो आपका 1 to 2 marks का आता है। ओके तो आपके जो टोटल मार्क्स यहां पर हो जाते हैं वो आप कह सकते हैं 7 to 10 marks। ओके तो 7 to 10 marks का इस टॉपिक से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन इन गेट एग्जाम। ओके यहां पर डिजिटल में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा, वो ये है कि देखिए डिजिटल जब आप स्टडी करते हैं क्लास में या जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं या वीडियो लेक्चर से करते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत इजी लगता है पढ़ने में, आपको लगता है अरे सबसे इजी सब्जेक्ट तो यही है, ठीक है ना, माने सबसे ज्यादा स्कोर तो मैं इसी सब्जेक्ट में करूंगा। तो स्पेशली ईसी स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान में रखेंगे कि एक बार आप पूरी डिजिटल को स्टडी करने के बाद लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन फॉलो कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि डिजिटल पढ़ने में तो बहुत ईजी है लेकिन हर साल 1 to 2 question यहां पर ऐसा आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लेवल का होता है, आप उसे सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। ओके और वो क्वेश्चन किन टॉपिक्स में से आता है वो आप फोकस करिए, ठीक है ना, उन टॉपिक्स को आप फोकस करिए, यहां पर ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ठीक है ना। तो डिजिटल पढ़ने में जितना आसान होता है एग्जाम में क्वेश्चन उतने इजी नहीं आते हैं, स्पेशली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ओके अब अगर मैं यहां पर बुक्स की बात करूं तो यहां पर दो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स आपके लिए हो सकती है, एक होती है आपकी आनंद कुमार, ओके, और एक होती है आपकी मॉरिस मैनो,
ओके तो आप इन दो बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। जो आनंद कुमार है इंडियन राइटर की बुक है बट बहुत अच्छी बुक है, ओके मीन्स इसमें जो आपका बेसिक्स दिया हुआ है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा दिया हुआ है। अगर इन दो बुक्स में से मैं किसी को फॉलो करूंगा तो वो आनंद कुमार को करूंगा फॉर द बेसिक्स क्लियरेंस। आपका बेसिक्स बहुत अच्छा दिया है, उसमें आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, हर एक टॉपिक पे आपको ढेर सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे अंडरस्टैंड करने के लिए टॉपिक को, ओके तो ये बुक बहुत अच्छी है। इसके अलावा आप मॉरिस मैनो भी फॉलो कर सकते हैं फॉर हायर लेवल क्वेश्चंस, ओके तो वैसे तो डिजिटल के जो स्टडी होती है नोट्स वाइज बहुत ईजी लगती है, आप बड़े आराम से स्टडी कर जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन फिर भी जो इसके डिफिकल्ट टॉपिक हैं, जैसा मैंने कहा 1 to 2 क्वेश्चन हर साल डिफिकल्ट टॉपिक से आते हैं, तो उनके लिए आप हमारी डिजीमेंटो की वीडियो लेक्चर्स को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से होंगे डिजिटल में, ओके तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं आपके एक्चुअली यहां भी बिल्कुल फिक्स है कंट्रोल की तरह। एक आपका काउंटर से हर साल एक आध क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक आपका कॉम्बिनेशनल में जो मल्टीप्लेक्सर है वो भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर साल आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन इससे भी काफी क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, ओके उसके अलावा मैं बात करूं अगर बुलियन एक्सप्रेशन, ओके तो बुलियन एक्सप्रेशन मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, इससे भी आपके क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, और एक टॉपिक से भी आप हर साल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है आपका नंबर सिस्टम, ओके तो ये भी आपका एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ओके तो डिजिटल की जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं काउंटर को अगर आप छोड़ दें तो बाकी सारे टॉपिक्स आपके बहुत इजी लेवल के होते हैं। इसमें सिर्फ सिक्वेंशियल सर्किट में आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन इन चार टॉपिक्स के अलावा इन चारों से हर साल क्वेश्चन आए कोई फिक्स नहीं है, हो सकता है इन तीन टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए, बाकी एक या दो टॉपिक जो होते हैं जिनसे एक या दो क्वेश्चन आते हैं हर साल वो बहुत डिफिकल्ट लेवल के हो जाते हैं, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन आता है फाइनाइट स्टेट मशीन से जो आपसे बिल्कुल नहीं बन पाता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है मेमोरी से, तो मेमोरी का हम लोग जो स्टडी करते हैं वो थ्योरिकल कर लेते हैं, कभी कभी बहुत डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन आ जाता है आपके लिए, तो इन पे आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ओके और जहां तक मैं बात करूं अगर माइक्रो प्रोसेसर की, हर साल 1 या 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर आपके पास लास्ट में बिल्कुल भी टाइम नहीं है और आपको लग रहा है कि आप नहीं स्टडी कर पाएंगे, ठीक है, तो आप इसे लीव भी कर सकते हैं, ठीक है, बट अदरवाइज जैसा गेट में मैंने कहा है कि 1 या 2 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप माइक्रो प्रोसेसर में अगर चाहें तो आप क्या कर सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन सेट को पूरा स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, उसके अलावा आप मेमोरी इंटरफेसिंग को पूरा स्टडी कर सकते हैं। ये दो टॉपिक अगर आप स्टडी कर लेते हैं तो 80-90% चांसेस है कि आपसे क्वेश्चन हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर का, ठीक है। इसके लिए भी मैं एक इंडियन राइटर की बुक ही आपको बोलूंगा, दैट इज विभूति, ओके जो विभूति जो बुक है वो बहुत ही अच्छी बुक है आपके लिए, ठीक है। इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर का कंसेप्ट इतने इजी लेवल में आपको, इतने इजी लैंग्वेज में आपको समझाया हुआ है, और साथ ही साथ आपको ढेर सारे यहां पर एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं फॉर माइक्रो प्रोसेसर स्टडी, ओके। नाउ अगर मैं यहां पर नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करूं तो जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका होगा ईएमएफटी, ठीक है। ईएमएफटी जैसा हम सब जानते हैं सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इतना बड़ा नहीं है जितना बड़े आपके कम्युनिकेशन और ईडीसी एनालॉग थे, ठीक है, तो टफ जरूर होगा। अगर आप कोई कोचिंग सेंटर में हैं तो वहां पर आप बहुत ज्यादा अच्छे से इसे ध्यान से समझिए, अपना पूरा एफर्ट लगाइए इसे समझने में, फैकल्टी से सारे डाउट क्लियर करिए। अगर आप वीडियो लेक्चर्स कर रहे हैं, अगर आप हमारी वीडियो लेक्चर्स लिए हुए हैं, तो वहां पर भी आप कंप्लीटली इसे अच्छे से समझने की कोशिश करिए। हम भी कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट को बहुत ही आसान लेवल पे, वैसे तो हम हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, इस सब्जेक्ट पे हम ज्यादा कोशिश करेंगे कि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करें, और साथ ही साथ ढेर सारे आपको एग्जाम्पल्स दें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ओके लेकिन फिर भी इस सब्जेक्ट के लिए स्पेशली आपको कोई भी डाउट हो आप हमारी ईमेल आईडी पे भी तुरंत मेल करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ है, लेंथी नहीं है पर टफ है, ठीक है। और अगर मैं गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो गेट में हर साल यहां पर 6-8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ओके
और ये लगभग आप कह सकते हैं कि आपका लास्ट सब्जेक्ट होगा जो आपको स्टडी करनी है, ठीक है। इसको आप पहले भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आई थिंक इसे आप लास्ट में करिए क्योंकि थोड़ा टफ है, तो आपका कॉन्फिडेंस कहीं लूज ना हो जाए पहले पढ़ने से। और दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, आई थिंक एक अच्छे स्टूडेंट के लिए कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं होता, जो स्टूडेंट मेहनत करने को रेडी है वो कभी भी इसे पढ़ सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें। लेकिन एक अच्छे स्टूडेंट के लिए भी यहां पर मैं एक पॉइंट आपको बोलूंगा कि आप इसे लास्ट में इसलिए पढ़िए क्योंकि आपका क्या रहेगा, बहुत टफ है, इसमें आप चीजें बहुत ज्यादा भूलते हैं, तो जब आप लास्ट लास्ट में से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें याद रहेंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि गेट के एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़िए, लेकिन आप इसे अपने प्रिपरेशन के टाइम पे लास्ट लास्ट में स्टडी करिए। आप कह सकते हैं कि दिवाली वेकेशंस के जस्ट पहले ऐसे आप स्टडी कर लीजिए। जैसा मैंने आपको कहा हुआ है कि आप सितंबर एंड अक्टूबर में कम्युनिकेशन एंड ईडीसी एनालॉग स्टडी करिए, ओके। सेल्फ प्रिपरेशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो आप 15 अगस्त से भी स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा पहले से कर लीजिए कम्युनिकेशन ईडीसी एनालॉग को स्टडी करना, ओके। तो यहां पर आप कोशिश करिए कि आपका 15 अक्टूबर तक ईडीसी एनालॉग एंड कम्युनिकेशन आपका फिनिश हो जाए पूरा अच्छे तरीके से स्टडी करके। अगर आप 1 सितंबर से भी चालू करते हैं तो 15 अक्टूबर तक आपका ये सब्जेक्ट खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद डिजिटल को आप 4 to 5 days पे या 6 days पे स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। बीच में जो आपका दशहरा वेकेशन आएगा उसमें आप डिजिटल स्टडी कर सकते हैं, ओके। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं कि वेकेशन के तुरंत बाद, दीपावली वेकेशन के जस्ट पहले तक या दीपावली के 1-2 दिन पहले तक आप अच्छे से ईएमएफटी को स्टडी कर लीजिए, ठीक है ना। 12 to 13, 14 days में आप ईएमएफटी को अच्छे से, मैक्सिमम आप 15 days बोल लीजिए, ईएमएफटी को अच्छे से स्टडी कर डालिए, ओके। क्योंकि आपको भी पता है कि आपको दिवाली वेकेशन के बाद, जैसे मैंने आपको सक्सेस मंत्रास वाली वीडियो में बोला हुआ है, आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर देना है, हर हाल में स्टार्ट करना है आपको, ओके। अगर आपको गेट में गुड रैंक अचीव करना है, ठीक है ना। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी के अलावा गेट की ओवरऑल प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको वहां दी हुई है, ठीक है ना। नाउ अब अगर मैं बात करूं यहां पर ईएमएफटी में कि कौन सी बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं, तो ईएमएफटी में जो बुक होगी आपकी वो हो जाएगी आपकी, अगेन जो आपने नेटवर्क थ्योरी में फॉलो की थी, सडीकू, ठीक है ना। राइटर सेम है बट आपकी जो बुक है आपकी वो डिफरेंट है, ओके ना। ईएमएफटी के लिए डिफरेंट बुक है, नेटवर्क थ्योरी के लिए डिफरेंट बुक है। तो आप ईएमएफटी सडीकू से आप स्टडी कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। इसमें आपको अगेन जैसा मैंने नेटवर्क थ्योरी में बोला था, आपको काफी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल जाएंगी, ओके। काफी अच्छी थ्योरी दी है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, ठीक है। जितनी थ्योरी आपके काम की हो उतनी आपको स्टडी करनी है। नोट्स, क्लास नोट्स के थ्रू या वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड थ्योरी अगर आपको एक्स्ट्रा भी मिलती है तो आप थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हैं, ओके। नाउ यहां पर ईएमएफटी में अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा मैंने आपको कुछ सब्जेक्ट्स में पीछे बोला हुआ है कि यहां पर भी आपके 1 or 2 question बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के हो जाते हैं, तो उससे आपको वरी नहीं करना है, ठीक है ना। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन छोड़ने के लिए ही होते हैं गेट के एग्जाम में, ठीक है ना। तो यहां पर 6 to 8 marks में अगर आप 5 marks, अगर 8 marks का आया है तो आप बोल लीजिए 5 to 6 marks अगर आप अचीव कर लेते हैं तो माने आपने सक्सेसफुल इस पेपर को, ईएमएफटी के क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट किया है, आप सक्सेसफुल रहे हैं अपने ईएमएफटी की प्रिपरेशन में, ठीक है। अटेम्प्ट का मतलब यह है कि आपके मार्क्स आने चाहिए ना, यहां मैं नेगेटिव मार्किंग की बात नहीं कर रहा हूं। अगर 8 marks में आपके 5 to 6 marks आते हैं मतलब गुड है, ठीक है ना। यहां पर अगर मैं बात करूं आपके लिए कि आपको कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, किस टॉपिक्स पे आपको बहुत ज्यादा फोकस यहां पर रखना चाहिए, तो वो टॉपिक्स आपके हो सकते हैं वेव गाइड, ओके। वेव गाइड से लगभग लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा आप ट्रांसमिशन लाइन भी कह सकते हैं, ओके। उसके अलावा वेव प्रोपगेशन भी बोल सकते हैं, इसमें से भी लगभग लगभग हर साल क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ओके। नाउ एंटीना का जो पैटर्न मैंने देखा है, हर साल क्वेश्चन नहीं पूछता लेकिन जिस साल पूछता है दो दो क्वेश्चन पूछ देता है या तीन तीन भी पूछ चुका है, ठीक है ना। तुम्हारे काफी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो जैसे कि 2016 का गेट का पेपर मुझे याद आता है, वहां पर 2 से 3 क्वेश्चन पूछ दिया था एंटीना से ही और बहुत डिफिकल्ट हो गए थे वो क्वेश्चन। तो एंटीना के लिए आपको प्रिपेयर रहना है,
बहुत अच्छे से, क्योंकि कई बार बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन उससे आ जाते हैं, ठीक है। बाकी अदरवाइज वेव गाइड, ट्रांसमिशन लाइन, वेव प्रोपोगेशन, ये कुछ बेसिक्स टॉपिक्स हैं जिनसे हर साल आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं, ओके। तो यहां पर जैसा मैंने आपको कहा, टफ सब्जेक्ट है, आप कोशिश करिए कि इसे दशहरा से दिवाली वैकेशन के बीच में आप पढ़ लीजिए, उस टाइम आपकी क्लासेस भी ज्यादा नहीं होती हैं, ठीक है। बट यस, ये भी बात है कि उस टाइम आपका मूड भी जो होता है वो फेस्टिवल मूड में होते हैं आप, ठीक है। लेकिन अगर हमें गेट को सक्सेसफुली क्लियर करना है, रैंक लाना है, तो वो जो समय है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप दशहरा में एक आध दो दिन एंजॉय कर सकते हैं, दिवाली में एक दो दिन एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आप पूरा 20 to 25 डेज फेस्टिवल मूड में रहें, ओके। तो अगर आप एक साल इसको चेंज कर लेंगे, एक साल अगर आप मेहनत कर लेंगे उस ड्यूरेशन में, तो बाकी लाइफ टाइम आप फेस्टिवल मूड में रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अगर एक बार गेट में गुड रैंक आ गया, तो या तो आपकी बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, या आप किसी टॉप के आईआईटी में एडमिशन ले लेंगे, दोनों से ही आपकी लाइफ टोटली सिक्योर हो जाएगी, ओके। नाउ यहां पर अगर मैं बात करूं कि लास्ट जो टॉपिक है आपका, जो कि बच गया है एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, ठीक है। तो जैसा मैंने इसके लिए कोई आपको टाइम फ्रेम नहीं दिया, ठीक है ना, जैसा मैंने आपको कहा कि आपको आफ्टर दिवाली वैकेशन आपको चालू कर देना है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, तो ऑब्वियसली बात है फुल लेंथ टेस्ट में आपके एप्टीट्यूड और इंग्लिश भी आएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, एप्टीट्यूड और इंग्लिश के लिए आपको कोई अलग से बहुत ज्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको इसको स्टडी करना है, और वैसे भी ये चीजें एक दो दिन में, 10 दिन में 20 दिन में नहीं आ सकती आपके अंदर, ये आपके अंदर ही होती है, ठीक है ना। एप्टीट्यूड क्वांटिट्यूड के क्वेश्चंस जो हैं लॉजिकल क्वेश्चन है, आपका माइंड रिएक्ट करता है उन क्वेश्चंस के ऊपर, ओके। लेकिन फिर भी एक रफ आइडिया के लिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, या इंग्लिश से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप इसके लिए लास्ट ईयर्स के पेपर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना, लास्ट ईयर पेपर्स, ओके। उनको आप थोड़ा बहुत सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। इसके अलावा आप लोग आरएस अग्रवाल की बुक जो है, ठीक है ना, उसमें से आप एप्टीट्यूड और क्वांटिट्यूड, रीजनिंग, इन सब के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। जैसे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हो गए, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन हो गए, ट्रेन्स के क्वेश्चन हो गए, ब्लड रिलेशनशिप हो गया, ये सारे क्वेश्चन के ढेरों सारे टॉपिक्स के, एक्चुअली बोलना चाहिए ढेरों क्वेश्चन आपको गिवन है। आप कुछ एग्जाम्पल्स फॉलो कर लीजिए, कुछ बेसिक फॉर्मुले होते हैं एरिया के, वॉल्यूम के, वो सब आप याद रख लीजिए, ठीक है, दैट्स इट, इनफ है। और अगर आपको ये चाहिए कि आप ज्यादा प्रिपरेशन करें इन टॉपिक्स की, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे जून से, ठीक है ना, तो रोज रात को आप 15 to 20 minutes, ठीक है ना, जब आप पढ़ाई छोड़ दिए हैं, अब आप रिलैक्सिंग मूड में आ चुके हैं, तो 15 minutes, हाफ एन आवर आप एप्टीट्यूड और इंग्लिश को देख सकते हैं, थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हैं, इंग्लिश में थोड़ी बहुत ग्रामर स्टडी कर सकते हैं, वैसे भी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि अगर आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, तो इंग्लिश को आप स्टडी कर सकते हैं रोज का 15 to 20 minutes, जो जो आपके लिए गेट के लिए इंपॉर्टेंट है उसे आप स्टडी करिए, उससे आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी और गेट में भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और क्वांटिट्यूड और रीजनिंग को भी आप स्टडी कर सकते हैं रोज का हाफ एन आवर, रोज रात में, ठीक है ना, मतलब टोटल आप हाफ एन आवर या 45 minutes, मैक्सिमम हाफ एन आवर या 45 minutes, उससे ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है। एप्टीट्यूड को या क्वांटिट्यूड को स्टडी करने का भी अपना एक फायदा है, वैसे स्टडी मींस प्रैक्टिस करने का फायदा क्या है कि उससे आपका जो माइंड है वो और लॉजिकल होता चला जाता है, तो जो गेट के टेक्निकल सब्जेक्ट हैं उसमें भी आपको काफी हेल्प मिल जाती है क्वेश्चन को समझने में या क्वेश्चन में अपना कंसेप्ट अप्लाई करने में, ठीक है, क्योंकि गेट में हर एक क्वेश्चन फॉर्मुला बेस्ड नहीं होता, बहुत सारे क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड या लॉजिकल, आपका माइंड अप्लाई होना चाहिए उन क्वेश्चन में, इस तरीके का होता है, ओके। तो ये आपकी होती है सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी फॉर गेट 2019, ओके। आप पूरी कोशिश करिए कि आप हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड आप टेस्ट दीजिए, फुल लेंथ टेस्ट आप दीजिए, ठीक है, आप टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करिए, ठीक है, आप गेट कैलकुलेटर का ही इस्तेमाल करिए शुरू से, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। तो ये वीडियो जो आपने देखी है मेरी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी फॉर ईसी स्टूडेंट्स, उसके अलावा मैंने हर एक ब्रांच के लिए, या कह सकते हैं सभी ब्रांचों के लिए, एक कॉमन वीडियो बनाई हुई है फॉर सक्सेस मंत्रास फॉर गेट 2019, ओके, उसको आप फॉलो जरूर करिएगा, ठीक है। आप मेरी अदर वीडियोस भी देखेंगे, मैंने
कभी इतना नहीं बोला किसी वीडियो को फॉलो करने के लिए, एक्चुअली मैंने किसी भी वीडियो में दूसरी वीडियो का नाम तक नहीं लिया, लेकिन मैं सक्सेस मंत्रास फॉर गेट 2019 का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप उस वीडियो को फॉलो करें, ठीक है ना। उससे आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स मिल जाएंगी कि आपको किस तरह से अपने टाइम शेड्यूलिंग करनी है फॉर गेट 2019, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको और भी कोई पॉइंट चाहिए या कोई भी टॉपिक पे आप डिस्कशन करना चाहते हैं या आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर चाहते हैं गेट 2019 से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है कि आप कैसे स्टडी करें या किस सब्जेक्ट को किस तरह से स्टडी करें या किसी टेक्निकल सब्जेक्ट में अगर आपका कोई डाउट भी है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो सारे सब्जेक्ट्स हैं टेक्निकल, वो हमारी चैनल पे अवेलेबल होंगे आपके लिए। बहुत सारे सब्जेक्ट्स के सैंपल्स जो हैं आपके, सैंपल्स नहीं कहूंगा मैं उसे, क्योंकि वो एक्चुअली जिस तरह से पढ़ाया जाएगा वो एक्चुअली अवेलेबल है आपके लिए। 15-20% 3-4 सब्जेक्ट के अवेलेबल हो चुके हैं ऑलरेडी, बाकी सब्जेक्ट्स के भी आने वाले हैं आपके लिए, ओके। तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं एक आइडिया के लिए कि किस तरह से सब्जेक्ट स्टडी होती है हमारे वीडियो लेक्चर्स में, ओके। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है जो आप ग्रैप्स कर सकते हैं हमारे चैनल के थ्रू, डीजी मेंटो, ओके। गुड बाय।